और आई होप सबको अच्छा लगे. एज आई कंपोज एंड आई एम द यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये अच्छे से एल्बम रिलीज़ हो जाए और मुझे खूब और तरक्की मिले और मैं और मेहनत करूँ. मैंने नाम रखा है खुद का, मैंने एल्बम का मैंने ही नाम रखा है और मैं बस I'll tell you, क्या था इसका एक मम्मी डैडी का सपना था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा कुछ करे और इसमें वो टैलेंट था जो माँ ने और पिता ने देखा कि मेरी बेटी कुछ गुनगुना रही थी एंड दे टॉल उन्होंने सोचा कि क्या क्या गुनगुना रही है. तो धीरे धीरे उसने लिखती गई, वो अपनी ट्यून बनती गई, तो धीरे धीरे वो डेवलप होते गया. जब डेवलप हुआ तो कैसे उसको मीटर में बैठना चाहिए, कैसे मीटर में बैठना चाहिए, तो मीटर में बैठने के लिए देन ये मुझसे सीखती थी. देन मैंने बोला इसको ऐसे, ये सेगमेंट को ऐसे करना है, ऐसे करना है. तो ये ऊपर वाले ने इसको एक रोशनी दी है कि जाओ तुम, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के पास क्या है. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली बिकॉज आई डू ऑल द रियलिटी शोज़ एंड रियलिटी शो में आप इंस्टेंट, आपको पूरे दुनिया ने देखा और आपको सब लोगों ने वोट किया, आपने किया. एक महीने के बाद, दो महीने के बाद वो वही गाएंगे जो फिल्म में आ रहे हैं, वही गाए, नए गाने क्या गाएंगे. तो एक नई प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको अपना एल्बम्स के साथ साथ अपनी वॉइस, अपना कंपोजिशंस को प्रमोट करना चाहिए और आप मीडिया उसको सपोर्ट करना चाहिए. अगर आप लोग इन बच्चों को नहीं सपोर्ट करोगे मेरे हिसाब से, तो आई डोंट थिंक सो. इन लोग का करियर जो सिंगिंग में है या डांस में है या इंस्ट्रूमेंटल में है, वो कभी निखर के नहीं आएगा. पहले तो मैं प्रांजलि को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. बहुत छोटी सी हैं अभी और इतना टैलेंट से भरपूर हैं. सो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत कम हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक छोटी सी उम्र की, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लड़की एक म्यूज़िक डायरेक्शन में प्लस सिंगर, तो ये उनका पहला एक एल्बम मैं लॉन्च करने आई हूँ. तो मैं उनको बहुत सारी दुआएँ और प्रार्थनाएँ के साथ यहाँ रहे हैं. बस मैं पहले भी कहती, जब एक टाइम था रीमिक्स का दौर था, तो अभी रीमेक कहते हैं. सो मैं कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं थी, बट मैं इतना चाहती थी कि उसकी मर्यादा ना लांघे, उसकी ओरिजिनलिटी को या उसकी मेलोडी को चोट पहुँचाए बिना कोई अच्छे तरह से, अगर आप अच्छी तरह से प्रोडक्शन बना के कुछ गाने को पेश करते हैं, तो हमारी जो नई यंग जनरेशन है, जो पुराने गाने, मैं बहुत पुराने गानों की बात कर रही हूँ, ये तम्मा या हम्मा की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो अभी कुछ वक्त पुराने हैं. सो मुझे खुशी है कि अच्छे तरह से अगर कोई भी गाना आता है तो आई एम ऑलवेज़ रेडी टू सिंग. और मैं अपने गाने खुद के कर रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि मुझे भी 20 साल हो गए इंडस्ट्री में. और रेड रिबन कंपनी ने जो हमारे जीतू भाई के हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ तलक भाई की तरफ से भी, हमारी तरफ से. बच्ची का ये एल्बम बहुत मशहूर, अल्लाह करे अभी बड़ा लंबा सफ़र है बेटा, लंबा सफ़र है. हाँ, और खुदा से दुआ करता हूँ कि इनकी जो कंपनी है वो और इस तरह के गज़ल, सूफी, क्लासिकल, क्योंकि यही लोग हैं जो म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं. बस मैं दुआ करूँगा बच्ची को कि अभी लंबा सफ़र है, काफ़ी तवील सफ़र है, अभी तो शुरुआत है. और मैं बस ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसे और तौफीक दे और इसको रियाज़ करवाए और इसको आगे चलते चलते बहुत लंबा सफ़र है.